नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और जीवन बदल देने वाली बात करने वाला हूं, और वो है अकेले रहकर अपने वैल्यू बढ़ाना। हम में से कई लोग यह सोचते हैं कि दूसरों के साथ रहकर या किसी और की मदद से हम अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अकेले रहकर बिना किसी के सहारे आप खुद को कितना बेहतर बना सकते हैं। अकेलापन कभी नकारात्मक नहीं होता जब तक हम उसे पॉजिटिव तरीके से समझते हैं। अकेले रहना, अकेले समय बिताना, यह हमारे आत्मविश्वास की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है। और अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। दोस्तों, अकेले रहने के अनेकों फायदे हैं, आइए कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानते हैं। नंबर वन, आत्मनिरीक्षण का अवसर। दोस्तों, जब आप अकेले होते हैं तो आपके पास खुद से मिलने और खुद को समझने का समय होता है। आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं, अपनी कमियों पर काम कर सकते हैं और अपनी ताकत को पहचान सकते हैं। अकेले रहकर ही आपको अपने अंदर की शक्ति का एहसास होता है। नंबर टू, स्वतंत्रता। दोस्तों, अकेले रहकर आप स्वतंत्र होते हैं। आप बिना किसी के दबाव के अपने फैसले ले सकते हैं। आपकी सोच और आपके निर्णय सिर्फ आपके ऊपर निर्भर होते हैं। यह स्वतंत्रता आपको अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती है। नंबर थ्री, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करना। दोस्तों, जब आप अकेले रहते हैं तो आपके पास अपना समय, अपनी ऊर्जा और अपनी सोच पर पूरा ध्यान देने का मौका होता है। आप अपने लक्ष्यों पर फोकस कर सकते हैं, अपने सपनों की ओर बढ़ सकते हैं और उन पर काम करने के लिए पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। नंबर फोर एंड लास्ट, आत्मनिर्भरता। दोस्तों, अकेले रहकर आप आत्मनिर्भर बनते हैं। आपको खुद के लिए खड़ा होना सीखने का मौका मिलता है, और जब आप खुद की मदद कर सकते हैं तो आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बड़े लोग अकेले रहते हैं? सचमुच दुनिया के कई महान नेता, वैज्ञानिक, लेखक और कलाकार जिन्होंने समाज में बहुत बड़ी वैल्यू बनाई, उन्होंने कभी न कभी अकेले रहकर अपने जीवन को नया दिशा दिया। वो अपने अकेलेपन में अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाए, जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन, महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने अकेले समय बिताकर खुद को तराशा और फिर पूरी दुनिया को बदल दिया। दोस्तों, अकेले रहकर आप अपनी पहचान बना सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं तो आपको खुद को साबित करने का एक और मौका मिलता है। यह वह समय होता है जब आप अपने आत्मसंस्कार और आत्मविश्वास पर काम कर सकते हैं। अगर आप खुद पर विश्वास करते हैं और अपने काम में लगन से मेहनत करते हैं तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ने लगती है। दोस्तों, याद रखिए, अकेले रहने का मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी आत्मा से जुड़े हुए हैं और आप अपनी यात्रा पर हैं जो आपको एक दिन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। तो दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो अकेले रहकर अपने अंदर छिपी हुई ताकतों को पहचानिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने लक्ष्य की ओर अकेले ही कदम बढ़ाइए। दुनिया आपको आपकी मेहनत और आत्मनिर्भरता से पहचानेगी। अकेले रहकर आप अपनी वास्तविक पहचान को पहचान सकते हैं। खुद से प्यार कीजिए, अपनी काबिलियत को समझिए और हर दिन अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।